नमस्कार, आप देख रहे हैं हसनपुरा न्यूज एक्सप्रेस और इस वक्त हमारी टीम मौजूद है दरौदा विधानसभा क्षेत्र के तिलकथू पंचायत के सुरूरडीग बाजार पर। मैं आपको बता दूं कि विकास की रफ्तार को तेज करते हुए दरौदा के विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक करणजीत सिंह और ब्यास सिंह बीजेपी से, जो विकास को पूरा तेज करते हुए यहां पर शिलान्यास कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, सिसवन मुख्य पथ से लेकर वाया तिलकथू पुराना लहेजी का जो सड़क निर्माण है उसका शिलान्यास किए। इसके अलावा सिसवा कला गुरघाट में छठ घाट का शिलान्यास किए हैं। इसके अलावा पसियन में शिलान्यास किए हैं। तो विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं, विकास की रफ्तार को तेज कर रहे हैं। और विकास के रफ्तार को तेज करने के लिए दरौदा विधानसभा में इन्होंने कमर कस ली है आपको, और दरौदा का एक नया दरौदा बनाकर देने के लिए तैयार हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि और क्या क्या योजना है और क्या क्या किन किन मुद्दों पर ये काम कर रहे हैं। सबसे पहले सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके भी चैनल को और आपके परिवार को। मेरे तरफ से शुभकामना है छठ और दीपावली दोनों के प्रति। दीपावली बीत गया है, इसके लिए भी शुभकामना है, और आने वाला महापर्व छठ है, इसके प्रति आपके चैनल के माध्यम से सारे जिलावासी, बिहारवासी, देशवासी सब लोग बढ़िया से छठ महापर्व छठ व्रत मनाएं। और जो भी सूर्य के उपासक हैं, जो व्रती हैं, उनके प्रति मेरा श्रद्धा सुमन है, उनके प्रति मेरा शुभकामना है। सर, छठ नज़दीक है, आप छठ घाट का भी शिलान्यास आज किए हैं और सड़क निर्माण का विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं, और क्या क्या आगे का प्लान है दरौदा विधानसभा क्षेत्र को चमकाने के लिए? देखिए, अभी तो हमको लग रहा है कि पूर्व का मेरा अभी 40 से ज़्यादा रोड, छठ घाट का शिलान्यास और उद्घाटन बाकी है, जो कि समय के अभाव में नहीं हो पा रहा है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, कुछ समय नहीं है मेरे पास, कुछ मौसम साथ नहीं दिया, नहीं तो एक माह पहले से जो इस साल जो देर से बरसात हुआ है उसके कारण भी विलम्ब हुआ है, तो एक माह पहले ही शिलान्यास हम शुरू कर दिए होते, लेकिन मौसम साथ नहीं दिया, मौसम के कारण नहीं हुआ। लेकिन अभी 40 ठो शिलान्यास अभी बाकी है। दरौदा विधानसभा क्षेत्र में आपसे परे नहीं है, जब से आप जीते हैं लगातार काम करा रहे हैं, कौन से ऐसे मुद्दा है जो सबसे जरूरी है दरौदा विधानसभा? देखिए, दरौदा में हर मुद्दा जरूरी है, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, चाहे जन, मान लीजिए कि जन जीवन के लिए सबसे बड़ा चीज़ है सड़क, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो ये चार चीज़ पे हम लोग अंकुश लगा लेंगे, चार चीज़ पे सुधार कर लेंगे। सर, स्वास्थ्य के लिए क्या प्लान चल रही है, किस तरीके के काम? देखिए, अभी तो नया सरकार बदली है, अभी तो इसमें कोई प्लान नहीं है, लेकिन पूर्व में ही मेरे यहाँ चाहे सिसवन हो या मेहदार हो, जैसे मान लीजिए छोटा छोटा मेरे यहाँ अस्पताल बन रहा है, बाबा मेहदार धाम में अस्पताल बनना शुरू हो गया 6 बेड का। सिसवन जो है रेफरल अस्पताल, उस बिल्डिंग को ध्वस्त करके 7 करोड़ का बिल्डिंग बनना शुरू हो गया है। दरौदा भी हाल ही फिलहाल में बना हुआ है। डॉक्टर की जहाँ कमी थी डॉक्टर दे दिए हैं, जहाँ एम्बुलेंस की कमी थी एम्बुलेंस आ गया है पूर्व से ही, जहाँ ANM की कमी थी ANM आ गया है, जहाँ GNM नहीं थे मेरे यहाँ दरौदा वगैरह में, तो जनरल सर्जन भी हम ला दिए हैं। आज से 4 माह पहले जनरल सर्जरी भी का भी काम शुरू हो गया दरौदा में। दरौदा का तो स्थिति ये है कि लोग बोलते हैं जैसे कि पहले 30-40% का रेशियो रहता था, अब 150 से 200 पहुँच गया है। ये तो उपलब्धि है, जनता जनहित में हो रहा है काम। बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात है। मैं जानना चाहूंगा, जो सिसवन मुख्य पथ भाभी शिलान्यास जो किए हैं आप, वाया तिलकथू वाला रोड लहेजी वाला पुराना से जोड़ रहे हैं, उसमें क्या चौड़ाईकरण भी है उसमें, या फिर उसको फिर पीएसए? देखिए, चौड़ीकरण नहीं है, लेकिन ये 8 किलोमीटर का रोड जो है ना, जो पूर्व में बना था, उससे बढ़िया बनेगा, सुदृढ़ बनेगा, मजबूत बनेगा। और उसका जैसे आप लोग कहते हैं उसका साइड वाला जैसे मान लीजिए कि उसका जो चौड़ीकरण किया जाता है, मिट्टी डाला जाता है, ईंट डाला जाता है, सोलिंग किया जाता है, ब्रिक सोलिंग, ये सब नहीं हुआ है, मिट्टी उट्टी नहीं डाला गया था पूर्व में। इस बार उसको बढ़िया से सुचारू ढंग से जो सरकार का मार्गदर्शन है, जो एस्टीमेट है, एस्टीमेट के अनुसार ही काम होगा। सर, जब से आप जीते हैं दरौदा विधानसभा क्षेत्र में, ऐसे सुनने में आया कि दरौदा भी बदल रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार विकास? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में आपको पता होगा शायद, मैंने दरौदा ब्लॉक का जो +2 का विद्यालय है, मॉडल विद्यालय हो गया, पता है कि नहीं आपको? जी। 6 माह पहले उसको मॉडल में बदल दिए,
उसमें जो जाकर देखिए किसी भी तरह से किसी भी एंगल से, चाहे क्लासरूम स्मार्ट हो, स्मार्ट विद्यालय में तब्दील हो गया, वो केवल क्लास नहीं विद्यालय स्मार्ट हो गया। चैनपुर विद्यालय, चैनपुर विद्यालय का कैपेसिटी बहुत था, उसको भी स्मार्ट विद्यालय में तब्दील कर दिया और स्मार्ट बन गया है। अभी मेरे यहाँ दो बना है, दो में काम चल रहा है। अभी इसके बाद सिसवन पर ध्यान है, अभी रामगढ़ पर ध्यान है, तुरंत ये सब भी काम होगा। तो शिक्षा के भी क्षेत्र में काफ़ी हम लोग जागरूक हैं और काफ़ी काम हो रहा है। सर वो दिन कब आएगा जब लोग कहेंगे कि दरौंदा विधानसभा क्षेत्र के हर गांव स्मार्ट हो गया है? देखिए वो तो समय, उसमें आपकी आपका भी सहयोग सहभागिता चाहिए। जन 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 से हम सहयोग मांगेंगे और मांग रहे हैं। जब तक जनता का सहयोग नहीं होगा, केवल सरकार के और प्रतिनिधि के सहयोग से नहीं होता। उसमें जब मेरा जनता जब स्मार्ट हो जाएगा, तो सबसे पहले स्मार्ट गाँव बनाने के लिए जनता को स्मार्ट करना पड़ेगा, यहाँ के लोग। इसीलिए हम पहले यहाँ के विद्यालय, यहाँ के शिक्षा दीक्षा, शिक्षा और दीक्षा दोनों स्मार्ट हो जाए, फिर यहाँ के हर गांव, ये कल्पना, ये सपना मेरा भी है, यहाँ के लोग सहयोग करेंगे, उन लोग का सहभागिता रहेगा, तो ये जरूर स्मार्ट गांव दरौंदा के हर विधानसभा, हर गांव, हर टोला स्मार्ट टोला होगा, स्मार्ट टोला होगा। सर दरौंदा विधानसभा क्षेत्र के जनता के लिए आज क्या मैसेज रहेगा? देखिए अभी तो मान लीजिए कि पर्व का समय है, सब लोग पर्व मना रहे हैं, सब लोग घर में हैं, अमन चैन शांति से सब लोग पर्व मनाएं, मेरा शुभकामना है, मेरा सहयोग है। जहाँ भी छठ व्रतियों के लिए जहाँ भी ज़रूरत है, छठ घाट के प्रति हम लगे हुए हैं। यहाँ सर सफाई नहीं हो रहा है, वीडियो से पदाधिकारी अधिकारी के वहाँ के प्रतिनिधि से बोल के सब करवा रहे हैं। जहाँ अगर हमको ऐसा सूचना मिल रहा है, हम तुरंत उस पर छठ व्रतियों के लिए तत्पर हैं, जागरूक हैं, और मेरा श्रद्धा है। जिस तरीके से दरौंदा विधानसभा क्षेत्र में विकास हो रहा है, इस पे आपका क्या राय है? दरौंदा विधानसभा के माननीय विधायक करमजीत सिंह उर्फ ब्यास जी, जिस तरह से पूरे जिला में पहला स्थान दरौंदा में विकास हो रहा है, चाहे रोड में हो, शिक्षा मीनों में देखें कि स्वास्थ्य किसके पलते, और सबसे बड़ी बात है आप धनौती में देखें, इन्होंने स्टेडियम लाने का काम किया जो जिले के अन्य विधानसभा में नहीं बना, वहाँ यहाँ पर बनने का काम हो रहा है। आज यहाँ पर प्रत्येक दिन ये शिलान्यास करते हैं। शिक्षा के, स्वास्थ्य में आप देखें, PCS का जितना भी है, आप पहले देखते होंगे, आप चूंकि क्षेत्र के जुड़े हुए हैं, पहले आपका अनुभव होता ही होगा। माननीय विधायक जी इस क्षेत्र से लोगों को जो सेवा कर रहे हैं, आज हर क्षेत्र में शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, और बुनियादी समस्याओं में लगे हुए हैं, और यहाँ के जनता से भी उम्मीद है, और ये भी मिलकर कदम से कदम मिला करके इसको हम लोग आदर्श, जो पूरे बिहार में दरौंदा विधानसभा को आदर्श विधानसभा बनाने का काम किया जाएगा। महादेव पासवान, पूर्व प्रमुख पचरुखी। जिस तरीके से शिलान्यास हुआ, माननीय विधायक जी के द्वारा काम हो रहा है दरौंदा विधानसभा क्षेत्र में, क्या कहेंगे कुछ इस अवसर पर? मैं तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बधाई दूंगा कि आप लोग मुझे इसे जो समझें कि मैं कुछ बोल सकता हूँ, कह सकता हूँ, तो मुझे यही कहना है कि माननीय विधायक जी जब पहले चुनाव में आए थे यहाँ पे, तो जनता का अपार इनको सहयोग मिला, और विधायक जी भी जनता के आशा के अनुरूप ये भी अपना बहुत अच्छा दायित्व निभाए और आगे भी निभाते रहेंगे। तो वो दिन दूर नहीं है जब दरौंदा विधानसभा क्षेत्र स्मार्ट विधानसभा क्षेत्र बनेगा और हर गांव यहां का स्मार्ट होगा, ये कहना है यहां के वर्तमान विधायक भाजपा के करणजीत सिंह और ब्यास सिंह जी, जो कि आज शिलान्यास कर रहे हैं विभिन्न योजनाओं का और आगे भी ये करते रहेंगे, इनका कहना है। तो आप देखते रहे हसनपुरा न्यूज एक्सप्रेस। जय हिंद।